क्या चाहिए, क्या लिखा होता था, बिजली दो, पानी दो, गैस गैस दो। सही। बाकायदा गैस दो के प्ले कार्ड उठा के लोग बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल आ चुकी है। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये छोटी सी बात समझी जा रही थी कि हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही, तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि हमारे मोहल्ले में गैस नहीं आ रही, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें गैस दो। अच्छा पता है मैं क्या सोच रही हूँ, थोड़ा सा मैं ये सोच रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह बचा है। मैं ये सोच रही हूँ मुल्क जो है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। हम इंडिया को भी देख रहे हैं, चलिए इंडिया की बात कर लेते हैं, जितना हमने उनको देखा है कि तरक्की पे तरक्की। अच्छा 2030 में ही वो मतलब ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान विल हैव नो गैस इन अ फ्यू इयर्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान को आप अगर देखें तो आज के समय ये देश फेस कर रहा है एक मैसिव एनर्जी क्राइसिस। पेट्रोल ऑयल ये लोग इतना इम्पोर्ट कर नहीं पा रहे क्योंकि उसके लिए विदेशी मुद्रा है नहीं। उसके अलावा नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स थे इनके खुद के देश में, ये इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं कि अब इनके मिनिस्टर्स ओपनली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इसको अपना जीने का जो तरीका है चेंज करना होगा, क्योंकि कुछ ही सालों में कोई भी नेचुरल गैस देश में नहीं बचेगी। और इन्होंने ओपनली कह दिया है कि देश के पास इतना पैसा नहीं है कि बहुत ही बड़े स्केल पर ये लोग कतर, रशिया, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे नेचुरल गैस इम्पोर्ट करें। तो ऑल टुगेदर पाकिस्तान में आपको एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आने वाले कुछ सालों में। और इस पर रिसेंटली अलजजीरा ने भी लिखा था एक आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान की जो निर्भरता है नेचुरल गैस पर, ये एक नाइटमेयर बन चुकी है, ये एक बुरे सपने की तरह आज के समय बन चुकी है। नाउ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ आप सब लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को अटेंड करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नेचुरल गैस को अगर आप स्टोर करके रखते हो हाई प्रेशर में, तो उसको आप क्या कहेंगे, CNG, LPG, KLG या फिर PNP? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अगर हम बात करें नेचुरल गैस के कंजम्पशन की, तो आप काफ़ी सरप्राइज होंगे देखकर कि भारत और पाकिस्तान में इतना फ़र्क है नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे लिस्ट है उन कंट्रीज़ की जो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस कंज्यूम करती है। नंबर वन पे है अनडिस्प्यूटेड किंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 21% जो दुनिया का शेयर नेचुरल गैस का यही लोग कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा रशिया, फिर चाइना है, फिर इंडिया को ढूंढने के लिए काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली देखिए इंडिया अपने साइज़ के हिसाब से नेचुरल गैस बहुत ही कम इस्तेमाल करता है। आप देखेंगे इटली, थाईलैंड, ऐसे देश जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा कम है इंडिया से, उनसे भी कम आपको मिलेगा इंडिया। फिर इंडिया से थोड़ा सा नीचे आप अगर जाओगे तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो टोटल शेयर है दुनिया की नेचुरल गैस कंजम्पशन का वो है 1.1% और इंडिया का है 1.4%। तो हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो इंडियंस ने उतनी ज़्यादा नेचुरल गैस पर अपनी डिपेंडेंसी कभी बनाई नहीं जितनी पाकिस्तानीज ने बनाई है। इंडिया का एक्चुअली अभी भी एक टारगेट है कि टोटल जो हमारा एनर्जी मिक्स है उसमें 15% हम नेचुरल गैस इंक्लूड करेंगे 2030 तक। वेरस पाकिस्तान एक टाइम पर इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा एक कंज्यूमर था नेचुरल गैस का। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है 1952 में हुई नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन। बलूचिस्तान प्रोविंस आपने पाकिस्तान का देखा होगा, यहाँ पर 1952 में बहुत ही बड़े स्केल पर पाकिस्तान को मिल गई नेचुरल गैस करीब 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की। उसके बाद से इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है बस यहाँ पर लगातार जो पाइपलाइंस हैं वो बनाते रहो, और जो भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पर पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन वो पहुँचाकर जो भी नीड है लोगों की, चाहे कुकिंग की नीड है, चाहे एनर्जी प्रोडक्शन की नीड है, कहीं से भी आपको अगर एनर्जी चाहिए तो वो नीड पाकिस्तानी पूरी कर रहे थे फ्रॉम नेचुरल गैस। और एक टाइम पर तो देखिए पाकिस्तान के इलेक्शन में एक ये प्रॉमिस ही बन गया था जिसमें हर नेता ये कहता था कि मुझको पावर में ले आओ, मैं इतनी नेचुरल गैस पाइपलाइन और बना दूंगा, मैं और ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर दूंगा। और ये करते करते आज के समय पाकिस्तान की जो टोटल नेचुरल गैस पाइपलाइन की लेंथ है ये है 1.5 लाख किलोमीटर। इसको आप अगर कंपेयर करोगे नाइजीरिया से, नाइजीरिया के पास इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान से ज़्यादा नेचुरल गैस है, मगर इनके यहाँ जो मैक्सिमम नेचुरल गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है
ये है 6000 किलोमीटर का। रीजन ये है कि इन्होंने अपने रिजर्व्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया, अपनी नेचुरल गैस को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा ज्यादा है, उसको यूज कम किया है। मेरा पाकिस्तानी जबरदस्ती कह सकते हैं एडिक्टेड हो गए थे नेचुरल गैस से, ऑलमोस्ट हर जगह ये लोग नेचुरल गैस यूज़ कर रहे थे। और सेंस ये एक इलेक्शन का मुद्दा बन गया था कि नेचुरल गैस कौन कितनी पहुंचाएगा, उस पर सब्सिडी कौन कितनी देगा। तो एक टाइम पे आकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडी दे देकर इंटरनेशनल प्राइसेस से भी पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं काफ़ी हद तक कम कर दिए थे। तो आप कह सकते हैं कि अर्ली 2000s तक जो एनर्जी कंजम्पशन का तरीका था पाकिस्तान और इंडिया में, इसमें काफ़ी डिफरेंस था। इंडियंस नेचुरल गैस उतनी यूज़ नहीं कर रहे थे, वेयरएज पाकिस्तान हैवीली डिपेंडेंट हो गए थे ऑन नेचुरल गैस। मगर अब पाकिस्तान के सामने आ गई हैं दो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बलूचिस्तान में जो इनकी नेचुरल गैस की फील्ड निकली थी उनमें से नेचुरल गैस अब ख़त्म होने को आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि और कहीं नेचुरल गैस अभी के लिए नहीं मिल रही। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। एक्चुअली पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से बलूचिस्तान में एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर एक्चुअली नेचुरल गैस है कहाँ पर। और उसका एक रीज़न भी है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से, वो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने बेसिकली किया क्या था कि इनकी नेचुरल गैस यहाँ से सीधा निकाल कर पंजाब में भेजते गए और बलूचिस्तान के लोगों को ही अपनी जो नेचुरल गैस है, अपनी ज़मीन की नेचुरल गैस, उसका यूज़ करने को कभी मिला नहीं। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का तर्क आप अगर देखो तो अपनी जगह से गलत नहीं है। मगर अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बार को ठीक है अपने रिजर्व अगर ख़त्म हो गए और हम लोग अभी अपनी खुद की ज़मीन पर एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहे, इंटरनेशनल मार्केट में भी आप अगर देखोगे तो नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने रिसेंटली एक और गलती ये भी करी थी कि इन्होंने नेचुरल गैस की जो कार्गो होती है वो टाइम पर परचेज नहीं करी। तो अब इनको बहुत ही बड़े स्केल पर जो ये कार्गो है ये रेंट करनी होगी, इसमें भी इनके कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होने वाले हैं। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जिस एनर्जी के सोर्स की लत लग गई थी पाकिस्तान को, उससे इनको कम्प्लीटली अब ट्रांसफॉर्म करना होगा। इनको अब जाना पड़ेगा कोयले की तरफ। हो सकता है कि अब इनकी सरकार सोलर पावर के बारे में भी सुने, बहुत ही बड़े स्केल पर जिस तरीके से इंडिया में हम लोग बनाते हैं सोलर पावर प्लांट्स, वैसे ये लोग भी बनाएं। मगर अब प्रॉब्लम इनके सामने ये होगी कि अगर अब जाके ये स्टार्ट करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को आराम से 5-6 साल लग जाएंगे प्रॉपरली फंक्शनल बनने में। तो बीच में हो सकता है कि बहुत ही बड़े स्केल पर ना सिर्फ लोड सेटिंग, इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी फेस करें एक एनर्जी क्राइसिस, जिससे होगा क्या, पाकिस्तान प्रॉपरली मैन्युफैक्चर कर नहीं पाएगा। अगर ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, डॉलर थोड़े बहुत जो आ रहे हैं वो और कम आया करेंगे। तो ये एक बहुत ही विशेष सर्कल है। और पाकिस्तान के केसेस सीखने को हमको ये मिलता है कि जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हो वहाँ पर कभी भी एक सिंगल सोर्स पर ओवरली डिपेंडेंट ना हो जाओ और हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ चलो। पाकिस्तान में हुआ क्या है कि करप्शन और रेगुलर इलेक्शन की वजह से इन्होंने कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी नहीं है। अब अचानक से ये लोग एक ऐसे मोड पे आ चुके हैं जहाँ पे ना इनके पास विदेशी मुद्रा है ना नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि नेचुरल गैस को अगर आप स्टोर करके रखते हो हाई प्रेशर में तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये भी जान लो कि पाकिस्तान में इन द फ्यूचर जो इनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो अभी के लिए चलती है सीएनजी पर, इनको वापस शिफ्ट करना पड़ेगा किसी और सोर्स पर, क्योंकि सरकार सिंपली ये कहेगी कि जो भी बची कुछ ही थोड़ी बहुत नेचुरल गैस है ये इस्तेमाल करेगी हमारी इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो लोग कुछ इसका मैन्युफैक्चर करके टेक्सटाइल वगैरह कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेंगे। आम इंसान नेचुरल गैस यूज़ भी नहीं करेगा। और फाइनली मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर पिन कमेंट आपको मिलेगी, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अन अकेडमी का यूपीएससी का वो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी फिल्म्स मेंस ऑप्शनल आपकी चॉइस का फिलोसफी हिस्ट्री ज्योग्राफी विच एवर यू वॉन्ट टू चूज़ आप चूज़ कर सकते हैं और घर बैठ के या फिर कहीं भी आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हैं। और यूपीएससी एग्जामिनेशन अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास सभी टाइम है, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस यहाँ पर मिल जाएंगे सीधा 10% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ज़्यादा परेशान कुल। अच्छा आपको पता है ये तो वीडियो आज हमने देखी, इससे पहले ही गैस वाला मामला पाकिस्तान में खासतौर पे कराची में शुरू हो चुका है बाकायदा। विंटर्स में तो वैसे भी होता है ना? नहीं नहीं कम होता था, अब तो नॉर्मल
अब तो नॉर्मल बढ़ गया है, मतलब अब तो विंटर हो या सर्दी हो या गर्मियों गैस नहीं है। समटाइम्स गर्मियों में, मतलब मैंने कभी भी नहीं सुना कि गर्मियों में लोड शेडिंग होती हो, लेकिन अब तो सुई गैस की गर्मियों में भी लोड शेडिंग हो रही थी, और सर्दियों में तो ये मामला हैं कि लोग 6-6 बजे खाने बना के रख रहे हैं। अब आप तो थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, तो आप सर्दियों और गर्मियों की बात कर रहे हैं, थोड़े साल पहले 6-7 साल की पुरानी बात होगी, गैस की लोड शेडिंग का तो तस्वुर ही नहीं था। बिजली की तो चलो थी कुछ इलाकों में, हार्डली 10 ईयर्स हो गए, ठीक है ना। लोड शेडिंग गैस की तस्वुर ही नहीं था। अच्छा, आज कल परसों मैंने बाकायदा औरतों को सड़कों पे आग लगाते हुए देखा है, औरतें खड़ी हुई सड़क पे, अपनी आंखों से देखा है, और उनने प्ले कार्ड उठाए हुए और उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज, क्या लिखा होता था, बिजली दो, पानी दो, गैस दो। बाकायदा गैस दो के प्ले कार्ड उठा के लोग बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल आ चुकी है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये छोटी सी बात समझी जा रही थी कि हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही, तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि हमारे मोहल्ले में गैस नहीं आ रही, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें गैस दो। कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, लोड शेडिंग का मतलब यही होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में बंद कर देना, वो तो पूरे एरिया की बंद होती है, मोहल्ले का तो कोई उसमें, ठीक है, उस इलाके में, उस एरिया में, पूरे एरिया में। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मामला गैस वाला प्रशांत भैया के रेफरेंस से, न्यूज़ की वजह से हमें ये पता चला कि ये तो पूरे पाकिस्तान का एक आने वाला बहुत बड़ा इशू है, इशू है अलमिया। और दूसरी बात मैं ये सोच रही हूँ, दो बातें, एक तो ये कि मतलब अब जब रिजर्व खत्म हो रहे हैं तो ये यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, ये वहाँ अब टेंशन ले रहे हैं, अब हमें दे रहे हैं इतने सालों से, यानी कि। और अच्छा, दूसरा सोलर वाला अगर मामला करते हैं, प्रशांत जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, तो उसके लिए कम से कम 5-6 साल चाहिए होंगे फंक्शनलाइज करने के, वो भी अगर आप करते हैं तो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इनकी सोच बता दूं कि ये प्रॉपर प्लानिंग करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। हुकूमत, देखें हुकूमत जो है वो हमारे यहाँ डगमगाती है। जब उन्होंने कहा है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे यहाँ इलेक्शन होते रहते हैं, बार बार इलेक्शन होते रहते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े लंबे प्रोजेक्ट, जैसे हम इंडिया में सुनते हैं एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, 10 साल बाद ये होगा, 15 साल बाद ये होगा, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी पता है अपनी गवर्नमेंट की, क्या हमारे, हमें आवाम हमारे साथ है, हम अब काम करें। यहाँ तो इस वक्त तो इनकी अपनी गवर्नमेंट के लाले लगे हुए हैं कि यार पता नहीं आज हैं हम कल नहीं हैं। अच्छा, जब गवर्नमेंट को ये पता हो कि मैं आज यहाँ हूँ कल नहीं हूँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो 15-10 साल वाला कोई प्रोजेक्ट करेगा? मैं आपकी बात का जवाब दूँ, वो ये कि हमारी गवर्नमेंट पता है काम क्यों करती है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और उनकी गवर्नमेंट काम करती है मुल्क बचाने के लिए। हमारी गवर्नमेंट मुल्क बचाने के लिए कोई स्टेप नहीं लेती, कोई काम नहीं लेती, उनको बस ये पड़ी होती है कि मैं बैठा रहूँ, मैं इक्तदार में रहूँ, मैं हुकूमत करूँ, मैं पीएम बन कर रहूँ, मेरी कुर्सी डगमगानी नहीं चाहिए, मेरी कुर्सी नहीं गिरनी चाहिए। उसके लिए मुझे जो भी, अगर कोई चीज़ यकीन करे, मैं आपको दिल से कह रही हूँ कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भी अगर कोई स्टेप लेना पड़े ना, तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला स्टेप ले लेंगे। इस पर बताऊँ मैं कुछ, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला, बाकायदा सिंध गवर्नमेंट में वज़ीर आला CM ने बाकायदा कह दिया कि आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो, या तो आप हमारे साथ यूँ कर रहे हो, वरना हम कुछ और सोच लें। मतलब आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो, आप हमें अच्छा उससे पहले वाला जुमला, आप हमें पाकिस्तानी समझें वरना हम कुछ और सोच लें, ये CM ने कहा है, ये किसी वज़ीर आला सिंध ने, यानी कहने का मतलब ये है कि अपनी अपने आप को बचाने के लिए, आपकी बात का प्रूफ दे रहा हूँ कि अपने आप की अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क तोड़ने में भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं आप, तो एक वो कर। अच्छा, ये तो हो गई बात के गैस के मसाइल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग आपस में दोस्त यार जब बैठते हैं, अक्सर जिक्र होता है कि बलूचिस्तान वालों के साथ ज्यादती हुई है, 100% ज्यादती हुई है, कि जिस एरिया से, सुई के इलाके से गैस निकली थी, इस इलाके का नाम था सुई गैस कहते हैं, तो हमें, हम जो खा, जिस जो गैस हमारे घरों में आती है उसे हम सुई गैस कहते हैं, तो वाकई ही कहते हैं कि उन इलाकों में नहीं है। और आपको पता है कई मरतबा उन्होंने पाइपलाइन तबाह भी की है, कई मरतबा वहाँ के जो बलूचिस्तान की जो आर्मी थी, ये जो लेबर यहाँ के जो वो थे, उन्होंने बाकायदा वो सुई गैस की जो पाइपलाइन है उड़ा दी, कई दफ़ा उड़ा दी। अच्छा, गुस्से में मुझे एक बात है, मुझे क्या लग रहा है, स्टोरी दोबारा से, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा रिपीट हो रही है, वो बांग्लादेश वाली कहानी मुझे दिख रही है, ठीक है। दूसरी बात ये, उनके साथ भी हम यही करते थे, उन्हीं से लेते थे, खुद खाते थे, उनको नहीं देते थे। और यहाँ पे भी देखें, हम उनसे, उनके रिसोर्सेज ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, आप खुद बताएं सबसे पहले किसका, किस सूबे का नाम आता है सबसे ज़रखेज़, सबसे ज़्यादा मादनियात, सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ हैं,
बलूचिस्तान में, हम उन्हीं से हर चीज़ ले रहे हैं। खेवड़ा सबसे बड़ी नमक की कान वहाँ है, हम उन्हीं से हर चीज़ ले रहे हैं और मैं ये देख रही हूँ कि हम उन्हीं को महरूम कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? खेवड़ा की मेरे ख्याल में पंजाब में है ना, बलूचिस्तान में नहीं, पंजाब में। अरे बलूचिस्तान में मैंने पढ़ा है, काटो बलूचिस्तान में क्या हो गया आपको? अच्छा खैर, जहाँ से जो चीज़ निकली है कम से कम उनका हक, तो उनको महरूम कैसे कर सकते हैं जब गैस से मीन के पास से निकल रही है? तो हम गैस उनको कैसे बोल सकते हैं कि आप यूज़ नहीं करो? ये पंजाब में बताएं, वो उन्होंने डायरेक्टली बताया प्रशांत धवन जी ने कि ज़्यादातर लाइन्स पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर शहरों में, और उनको आपने उनको ही महरूम कर दिया उनकी चीज़ों से, तो वो तो जाहिर सी बात है गज़बनाक होंगे। अच्छा अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे पेट्रोल वाली गाड़ियों को सीएनजी कर दिया गया, पेट्रोल पंप खुल गए सीएनजी के नाम से, यानी कि लोगों ने इस पे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी कि सीएनजी ही बिल्कुल 100% उन्होंने सही कहा कि हम बिल्कुल इस पे डिपेंड करने लग गए थे। हर काम हमारा हमारी सारी गाड़ियां, हर दूसरा बंदा क्यों, क्योंकि पेट्रोल से आधी कीमत में मिल रही थी। पेट्रोल कितने का? 200 रुपये का, तो ये कम से कम 100 रुपये की मिल रही थी। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, 19-20 होगा, तो मतलब इतना फ़र्क था। तो लोगों ने सारी अपनी गाड़ियों की किट सीएनजी करवा दी, पूरे पाकिस्तान सीएनजी पे चला गया था। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारी नाहली देखें ज़रा, थोड़ा सा बात को समझिएगा, हमारी नाहली देखें कि हमें ये नहीं पता कि जिस स्पीड से गैस जा रही है तो पीछे ज़खायर कितने हैं। मतलब हम कुछ बच भी रहे हैं, हम लोगों को सीएनजी स्टेशन के इजाज़त नामे दिए जा रहे हैं, हम गाड़ियों को सीएनजी किए जा रहे हैं, और हमारी हर आने वाली गवर्नमेंट सीएनजी के पाइपलाइन बढ़ाए जा रही है। तो क्या हमने ये सोचा कि हम कहाँ खड़े हैं, पीछे से ज़खीरा कितना है? अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि 2030 में उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी फिर से प्लानिंग कर ली है। अच्छा कंज्यूम क्या कर रहे हैं? 1.1%, कुछ भी नहीं है। इसी तरह उन्होंने एक और मुल्की, किस मुल्क की मिसाल दी थी, जहाँ पे 6,000, नाइजीरिया, वहाँ पे भी ज़खायर है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी सीएनजी को बेच रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, ठीक है, अपने ज़खायर को इतना सिक्योर करके रखा है। ये नहीं कि दोनों हाथों से बिल्कुल बावले हो जाए, उड़ाना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। जिस हद तक उन्हें ज़रूरत है उस हद तक अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उसके बाद वो उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा इंटरनेशनली भी अगर हम ख़रीदते हैं या लेते हैं, तो वो ही कह रहे हैं कि इंटरनेशनली इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है ये कि हमारे कई डॉलर्स इसमें लग जाएंगे। अच्छा, हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगी। अच्छा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा समझाऊँ कि अगर इस वक्त इत्तफाक से अगर ये हुआ है इस गैस वाला मामला, तो इत्तफाक ऐसा है कि इस वक्त वैसे ही पाकिस्तान की कमर टूटी हुई है, मतलब इत्तफाक ऐसा है कि हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान वैसे ही चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, और बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो चीज़ें बनेंगी तो एक्सपोर्ट होंगी। तो मैं बहुत 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 कुछ सोचने पर हम मजबूर हो गए। अच्छा मैं पता है मुझे क्या लग रहा है ना, मुझे सोलर वाला सीन समझ में आ रहा है, इतना जल्दी नहीं होगा ये भी, और अगर ये होगा भी तो 6-7 साल अभी चाहिए, अभी क्या करेंगे बिल्कुल एट दैट टाइम। और दूसरा ना मुझे लॉन्ग टर्म का कोई प्लान तो उन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है। दूसरा मुझे इंटरनेशनली भी वो कैसे ले पाएंगे, इतने पैसे हों तो वो ले पाए ना, डॉलर्स में कहाँ, हम तो वैसे ही इतने मकरूज हो चुके हैं। आपको पता है, अब मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है हम लकड़ियों के चूल्हे नहीं होते थे, ऐसा हो चुका है, यकीन करें मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। नहीं मैं आपको लोग वही यूज करने लगेंगे। मैं आपको बताऊं कि ऐसे चूल्हे मार्केट में आ चुके हैं, बन रहे हैं, और बाकायदा उसकी फेसबुक पे प्रमोशन चल रही है। वो चूल्हे लकड़ी से तो चल रहे हैं, गैस नहीं है, ठीक है, लेकिन उस लकड़ी को मॉडिफाई किया गया है, यानी कि उस लकड़ी, गाय का गोबर, वेस्ट मटेरियल, अभी क्या हो गया इस चीज़ें। तो आप जैसे कह रही थी कि वाकई लकड़ी के दौर में क्या हम जाने वाले हैं, तो अब तो चूल्हे ही इस तरह के बनने वाले हैं, बन रहे हैं, बल्कि मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें ना तो गैस है ना इलेक्ट्रिसिटी है, वो बाकायदा इस तरह के छोटे छोटे बैलेट हैं जो मशीनों से बनाए गए हैं, और उस बैलेट के अंदर मतलब मुख्तलिफ़ किस्म का वेस्ट मटेरियल है, लकड़ी भी है, तो खेतों में यूज़ होने वाला जैसे कि कचरा, गंद कचरा, मतलब है कि वेस्ट मटेरियल से बैलेट बनाए गए। अच्छा पता है मैं क्या सोच रही हूँ, थोड़ा सा मैं ये सोच रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह बचाए, मैं ये सोच रही हूँ मुल्क जो है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। हम इंडिया को भी देख रहे हैं, चलिए इंडिया की बात कर लेते हैं, जितना हमने उनको देखा है
कि तरक्की पे तरक्की। अच्छा 2030 में ही वो मतलब ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं कि ये 1.1% पे भी जो इनकी निर्भरता है इसको भी खत्म करके वो खुद इंडिपेंडेंट बने। अच्छा हर चीज़ में वो इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो खुद बनाएंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन इम्पोर्ट करना कम से कम चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं ये देख रही हूँ सब आगे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, एडवांसमेंट आ रही है, इनोवेशन आ रही है, हम क्या रिवर्स हो रहे हैं? आपको पता है कहाँ मतलब जंगल के दौर में आपको पता है कि उस दिन पता नहीं आप बैठी थी नहीं बैठी थी, अम्मी क्या कह रही थी, अम्मी कह रही थी क्या हम जंगल में जा रहे हैं, मतलब हम रिवर्स हो रहे हैं, मतलब बिजली नहीं, और बोला ना ऐसा लग रहा है कि हम गारों के दौर में जा रहे हैं, हम बिजली नहीं गैस नहीं कुछ भी नहीं, तो क्या हम, और आप यकीन करें आप मुझसे ये नहीं कि आप मुझसे साइन ले लें, मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये सब यानी कि अगर सोलर का कुछ भी होता है, सोलर का कोई प्रोजेक्ट होता है या दूसरा होता है, पहली बात तो ये टाइम टेकन है, होगा भी तो 6-7 साल लगेंगे, लेकिन यकीन करें आवाम अब 1 रुपया भी वेस्ट करने के मूड में नहीं है और ना ही अफोर्ड कर पाएगी। कोई ऐसी चीज़ आती है जिसके ऊपर आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं जो एक्सपेंसिव है, यकीन करें आवाम बोलेगी हम लकड़ी के चूल्हे पे बना लेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है नहीं, वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उसका अफोर्ड वाली बात हो रही थी, तो वो जो चूल्हे थे उसका उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 1 घंटा जलने पे? 30 रुपीज़ 30 रुपये। तो वो लकड़ी वाला मामला हो गया ना, लकड़ी जैसे exactly। हाँ लेकिन ये है कि चलो ठीक मॉडिफाइड कर, हाँ लेकिन चलो ये चीज़ हो गई। अच्छा बिजली का बुरा हाल ठीक है ना, अच्छा गैस नहीं आ रही घर में रही। तो आप दूसरी चीज़ें खरीदेंगे तो आपके पास तो खाने के पैसे नहीं है। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब रिजर्व्स बिल्कुल एंडिंग पर होंगे, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे कि कहाँ मजीद हैं ठीक है। हाँ। दूसरी बात ये वही कह रहे हैं कि पहले तो पता नहीं लगा पा रहे, और दूसरी बात ये है कि जब ये बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए होगी गैस, क्यों आवाम के लिए नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए इसलिए क्योंकि उनका इम्पोर्ट है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि हमें बहुत पहले ये बात पता चल गई। मैं कहता हूँ अभी जैसे प्रशांत भैया ने बताया, अच्छा हमारी कौम जो है ना रिसर्च की भी इनमें आदत नहीं है, हमें नॉलेज की भी आदत नहीं है, यानी कि ये इतने ख़तरनाक मामले हैं। हुकूमत ने तो बता दिया कि हमारे पास रिज़र्व नहीं है लोग, अच्छा अच्छी बात हो या बुरी बात हो, यानी कि हमारा एक प्राइम मिनिस्टर, हमारा मिनिस्टर फवाद चौधरी या जो भी एक्स वाई जेड शेख रशीद कोई भी हो, वो टीवी पे आकर कुछ बोलता है और ख़तरनाक चीज़ की अल्टीमेटम दे, अगर आप यकीन करें मैं अगर सुन रहा हूँ मैं उसकी बात को इतनी तवज्जो नहीं दूंगा, उससे 1000 गुना ज़्यादा तवज्जो प्रशांत भैया की बात को वजन दूंगा। क्यों? रिसर्च नॉलेज कोई बात बिला वजह आगे नहीं बोलेंगे। जब एक शख्स ने 1000 बातें की हो हमसे, फवाद चौधरी ने, इमरान खान ने करोड़ों बातें की हों, जिनका कोई सर पैर मुँह ही नहीं है, जिनका कोई एंड ही नहीं हुआ, जिनका कोई अमल ही नहीं हुआ, तो अगर वो आके कहते हैं कि हमारे रिज़र्व ख़त्म हो गए हैं तो हम ये कर रहे हैं तो हम वो कर रहे हैं, तो मुझे मैं उनकी बात को भी शायद ये वाली ख़तरनाक बात को भी इतना अहमियत नहीं दूंगा, लाइटली लूंगा ठीक है ना, इनका तो हमेशा का है। तो मैं जब नहीं लूंगा तो मैं तकरीबन आवाम को भी ये सोच रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ख़तरनाक अल्टीमेटम है ये लोगों को नहीं पता। इस बात को यूँ कर लें कि अगर इस वक्त कोई CNG पंप लगवा रहा है, CNG गैस के लिए पंप बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है करोड़ों रुपए की लाखों रुपए की किसी मोहल्ले में किसी इलाके में किसी रोड पे, तो इसका मतलब ये तो बर्बाद होने वाला है, हमारे यहाँ तो ये बुरा हाल होने वाला है। अच्छा मैं पता है मैं उसी बात को दोबारा से कंटिन्यू करूँगी कि उस पर ना मुझे कुछ ये बोलना था कि जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रशांत धवन जी ने जो बात बोली है तो मैं उनकी बात को ही लेकर चलती हूँ कि उन्होंने कहा कि आखिर में जो ज़खायर बिल्कुल एंड पे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए वो गैस होगी, आवाम बिल्कुल उससे वो हो जाएगी महरूम हो जाएगी ठीक है, फिर वो अपने दूसरे मतलब निकालेंगे अदर ऑप्शन, आवाम के वो आवाम का मसला है, वैसे भी गवर्नमेंट को क्या पड़ी है, वो तो इंडस्ट्रीज़ को ही देखेंगी ताकि मैनुफैक्चरिंग ना रुके क्योंकि हमारा मजीद लॉस होगा, डॉलर्स और कमाएंगे। लेकिन एक बात मैंने ये भी देखी है कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आती है या हमारे कोई पॉलिटिशियन कोई बात कहते हैं, आप यकीन करें अभी आप यकीन करें आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ, तो हमेशा आवाम में या जनता में दो राय होती है, एक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही होती है, एक जनता ये होती है या एक आवाम ये होती है, एक लोग ऐसे होते हैं उनके ग्रोह, और दूसरे लोग ये होते हैं कि वो यकीन कर रहे होते हैं बात को। अब जैसे आप ये वाली बात करें ना कि हम प्रशांत धवन जी की बात पे यकीन करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, ये हमारा बिलीव है उन पे कि हमें लगता है कि वो सही बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं क्योंकि उनकी रिसर्च है। लेकिन अगर हम जाके किसी आम नागरिक को ये बात बोलते हैं तो वो हमारी बात पे बिलीव नहीं करेगा, उसकी दो राय होंगी ठीक है, कोई कर भी लेगा कोई नहीं करेगा, लेकिन मेजोरिटी का यही होगा कि नहीं आप लोग गलत बोल रहे हो, आपको गलत बताया जा रहा है, आपको उकसाया जा रहा है, ये गलत है ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है
तो आप देख रहे हैं हालात क्या चल रहे हैं। इमरान खान से हर किसी का दिल उठ चुका है। बिल्कुल। मैंने बोला हम तो पागल थे कि हमने उन्हें वोट दिया, तो आपको पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं दोबारा उन्हीं को वोट दूंगी और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। I was like, ये पागल है ये, फिर उसको उनको वोट देगी? मैं यकीन करने मिल गई। मैंने बोला अभी भी आवाम बेवकूफ है, अभी भी नहीं, मतलब वो एक है ना कि जबरदस्ती वो ब्लाइंड होकर बैठे हुए और वो आंखें खोलना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। उनके सामने सब कुछ है, उसके बावजूद वो उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, नहीं, वो अच्छे, वो करने का, वो जनता के काम आ रहे हैं, वो मुल्क अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है, जो हालात जा रहे हैं, वो तो बहुत बुरी तरह। अच्छा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है हमारा हाथ है, हमारा भी कुछ ना कुछ क्रेडिट है। देखिए, मैं एक सिंपल आपको बात बताऊं, वीडियो एंड करते हुए, मैंने ये सुना है कि जो लोग जैसे होते हैं उस पे आवाम, ठीक है, इस बात में बहुत वजन है। मैं 100% बताऊंगा, 100% बिल्कुल शर्मिंदा होकर कहूंगा कि हमारी कौम में बेईमानी, दो नंबरी, अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं करना, हर किसी को, सामने वाले को लूटना, चीटिंग करना, धोखा देना, झूठ बोलना, तो हमारी कौम में, मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आम हो चुका है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, जज नहीं कर पाते, सही गलत की तमीज़ नहीं है हमारी कौम में, ये बंदा सही है, ये गलत है। आप किसी से भी पूछें, आप यकीन करें कि दो राय होती हैं उनकी हमेशा, यानी आप जो बोलेंगे आपको सपोर्ट करने के बजाय वो अपना एक मुद्दा बताएंगे, अपना एक नॉलेज बताएंगे, अपनी एक, मतलब वो होती है ना, अपनी स्टोरी एक बताएंगे कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ होगा, नहीं आप ऐसे कह रहे हो तो ऐसे था, ये तो ये चीज़ ऐसे थी। अच्छा, आपको एक बात पता है, एक नेगेटिविटी, यानी कि आप, अगर आपके साथ मुसलसल गलत हो रहा होता है ना, यानी कि आपने, आपके साथ एक शख्स ने धोखा किया, दूसरे ने धोखा किया, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ तीसरा धोखा करे या ना करे, आप धोखेबाज बन जाते हो। यहाँ पर सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, जबकि वो एक दूसरे को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ चुका है, हमारी सोच, पाकिस्तान की सोच बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, बेईमानी में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। और आवाम को समझाना ऐसा लगता है बिल्कुल नामुमकिन है, मतलब ऐसा लगता है इतने इलिटरेट हैं कि आप मुंह से भी बोलोगे ना ये गलत है, आप गलत कर रहे हो, तो वो तब भी नहीं मानते आपकी बात। बहुत ही खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी, और मैं कहता हूँ ये वीडियो हर पाकिस्तानी को पता होनी चाहिए, हर एक को पता होनी चाहिए कि इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अभी से प्लानिंग होनी चाहिए, आंखें खोले, यकीन करें इन बातों, वही ना, आगे प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने किस तरह लाइफ गुजारनी है और हमारे साथ क्या होने वाला है, अभी से तैयार होंगे तो शायद थोड़ा सा सर्वाइव कर पाएं। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।